सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेसी शहर। सो हम कल रात को यहाँ पहुँच गए थे राइड कंप्लीट करके। आपने देखा होगा, अभी तक नहीं देखा है तो देखो, ऊपर आई बटन में आ रहा है, जाकर देख सकते हो। मनांग राइड हमने, मैंने और रवीश ने सक्सेसफुली कॉन्कर्ड की। एक कहते हैं ना, बाइकर्स का सपना होता है, जैसे कि लद्दाख होता है हमारे यहाँ, स्पीति होता है हमारे यहाँ, वैसे ही नेपाल में लोअर मुस्तांग राइड, अपर मुस्तांग राइड प्लस मनांग राइड भी एक ड्रीम होता है। तो हमने लोअर मुस्तांग राइड कंप्लीट की, मनांग राइड कंप्लीट कर ली। सो आज हमारा प्लान है, मेरा और रविश का प्लान ये है कि हम निकलेंगे कहाँ से, यहाँ से बेसी शहर के इस होटल से हम निकलेंगे आज बंदीपुर। बंदीपुर भी जो है एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, मतलब बोल सकते हो अनएक्सप्लोर्ड विलेज है। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गोर राइडर्स में। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से और बाकी की बात करेंगे आपसे चेतक में बैठने के बाद। लेकिन उससे पहले आप ये प्रॉपर्टी देख लो जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हुए थे, और इस प्रॉपर्टी का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप भी आते हो, अगर आपको भी यहाँ स्टे करना है, प्रॉपर्टी लिटरली बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है, तो जा करके देखिए। बाकी चलते हैं, आपको एक बार रूम टूर देते हैं जो हमें रूम मिला है आज, और उसके बाद चेतक पर बैठेंगे और बैठने के बाद बाकी की बात करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं रूम के अंदर। हाँ जी, तो यार ये कुछ इस तरीके से है हमारा रूम, टू बेड वन रूम। ठीक है, सारा सामान देखो फैला हुआ है, कल जो आए सब चीज़ चार्जिंग पे लगा हुआ है, सारा चीज़ ऐसे ही फेंक दिया है। और ये कुछ इस तरीके से है वॉशरूम। तो हमने आपको टाइम रैप के थ्रू पूरी प्रॉपर्टी दिखाई दी, कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा। और चलिए बाहर एक दो एम्प्लॉई हैं, उनसे बात करते हैं। एक है यहाँ पे एम्प्लॉई जो हमारा वीडियो भी देखते हैं, आइए आप इधर आइए। ये हैं भाई, अपना नाम बताइए पहले। नमस्ते, हमारा नाम विश्व छेत्री है। और भाई ने बताया कल मुझे कि भाई मैं आपका वीडियो देखता हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच बोला। और कहाँ से हो, बेसी शहर से ही हो आप? बेसी शहर। तो यहाँ पे मस्त मौसम जो है, ठंड वाला मौसम, दिन में भी ठंड हो रात में भी ठंड हो, कब होता है? बेसिक शाम को। शाम को, दिन में गर्मी ही रहती है पूरे साल? पूरे साल नहीं, छः महीने तक। अच्छा, 6 महीने। तो जैसे अभी गर्मी शुरू हो गई है, तो क्या यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के बाद ठंड पड़नी शुरू होती है या उसके बाद? उसके बाद। ओके। सो थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। भाई पीछे देख रहे, आपका नाम क्या है? विश्वास अधिकारी। अब विश्वास? विश्वास। अच्छा, क्या बात है, विशु एंड विश्वास, सही है यार। ये शहर की खासियत क्या है, कुछ है कुछ स्पेशल यहाँ बेसी शहर का? कुछ पीसफुल है। हाँ, पीसफुल तो मुझे लग रहा है, पीसफुल तो है, बहुत खूबसूरत है। और बेसी शहर के आसपास घूमने के लिए कोई जगह? या गलेगांव है, हिस्टोरिकल गौसर दरबार। गौसर। अच्छा, हिस्टोरिकल गौसर दरबार भी है जो बता रहे हैं भाई लोग। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, एक बार में पूरा नेपाल घूम के चले जाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे नहीं, तो वो सारी चीज़ें फिर दोबारा जब आएंगे तब घूमेंगे। सो थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये हिल का एक पॉइंट दिख रहा है, ये है गौसर बेसी शहर। क्या है वहाँ पे राजा रहते थे। अच्छा, राजा रहते हैं वहाँ पे, अभी भी रहते हैं? नहीं। अच्छा, पहले रहते थे? पहले थे। तो अभी किंग ने एक रिक्लेम करा था ना, शाह किंग का, किंग, हाँ किंग जो होते हैं, पृथ्वी नेपाल को, पूरे नेपाल को। हाँ, वो लोग वहाँ रहते थे? अच्छा, वो लोग का शुरू का फर्स्ट वाला। अच्छा, फर्स्ट का जो महल था वो यहाँ पे था। तो गाइज, इस प्रॉपर्टी में ATM भी है, पैसे निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। और ये है रिसेप्शन, गेटवे हिमालय रिजॉर्ट के नाम से प्रॉपर्टी है। मैं आपको मिलवाता हूँ एक खूबसूरत सी महिला से जो आपको रिसेप्शन पर मिलेंगी। आपने नाम बताया पहले? कुमारी। थोड़ा जोर से बोली, कुमारी। कुमारी गुरुंग। गुरुंग यार, गाइज यहाँ आओगे ना, इनके स्माइल इतनी प्यारी है ना, मतलब इनके स्माइल से ऐसा लगता है पॉजिटिव वाइब्स, मतलब कि बार बार आप आओगे। तो आप कितने साल से हो यहाँ पे प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी में कितने साल से वर्क कर रहे हो? सिर्फ 5-6 मंथ। अच्छा, 5-6 मंथ हुए। ओके, आप यहीं से हो? यू आर फ्रॉम बेसी शहर? और अच्छा, बेसी शहर। तो कैसा है?
कैसी प्रॉपर्टी है, कैसे लग रहे हैं गेस्ट, कैसे लगते हैं जब आते हैं तो? कैसा रहता है नीचे, सही रहता है? गेस्ट अच्छे होता है, कोई कैसा होता है, दो चीज है। ये अन्नपूर्णा है ना पूरा? जी अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा है, चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे अपना लगेज ड्रॉप करके जाना चाहते हो, जैसे कि हम लगेज अपना ड्रॉप करके गए हुए थे जब जा रहे थे मनांग राइड के लिए, तो रिसेप्शन पे आप अपना सामान रख सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं आपको, ठीक है? तो चलिए, अब एक चीज़ बच गई है, जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं, उनका नंबर और ये सारी चीज़ें उनके ज़बान से सुनवाते हैं ताकि आपके बुकिंग में आसानी हो जाए। तो ये हैं नितिन जी। नितिन जी, दो मिनट बाइक का बंद कर। हाय नितिन जी। सर नमस्ते। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो चाहे जो भी देख करके आएगा इस जगह पे, तो वो बुकिंग कैसे, पहले इस होटल का नाम बता दीजिए। एक गेटवे रिसोर्ट है। ओके। और यहाँ का वो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, वो फोन से, मेल से, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर बता देंगे जिससे बुकिंग हो सके? ओ, मेरा नंबर है 9856014013। ओके। और कोई ईमेल आईडी? ईमेल आईडी gatewayhimalay02@gmail.com। ओके। तो ये जो आपने नंबर अपना बताया है जी, ये नंबर पे पहले नेपाल का कोड लगाना पड़ेगा? नहीं, वो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर भी है। हाँ जी, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। सो गाइज, आप व्हाट्सएप नंबर से भी बात करके इनसे प्राइस वाइज जो भी है आप ले सकते हो इनसे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये देखो मैनेजर साहब हमारे जो है रवीश की बाइक चला रहे हैं। कल ही इन्होंने बोला था रवीश को कि मैं आपकी बाइक चलाऊंगा, तो टेस्ट राइड लिया जा रहा है हिमालयन का, और इस पर बनाया जा रहा है टिकटॉक। सर ने बोला कि हम टिकटॉक बनाएंगे, तो देख लो भाई, देख लो टिकटॉक बन रहा है नेपाल में, टिकटॉक देख लो सी सब। चलिए निकलते हैं। चलिए सर, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं फिर जल्दी। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी। हाँ यस, श्योर श्योर श्योर, चलिए बाय, टेक केयर। धीरे से जाना बा, वो एक जगह बहुत खतरनाक है। अच्छा, उदयपुर बोलता है। उदयपुर, उदयपुर। ओके ठीक ठीक है। उदयपुर बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो चलिए गाइस, हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, या खुदा, या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा मंगल में रखिएगा। सो हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए चले बाय। सो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये थी गेटवे हिमालयन के नाम से। चलो बाय बाय बाय। सो ये है बेसी शहर, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड, और हम उल्टा हो गए हैं आई थिंक, रीरूटिंग कर रहा है। बेसी शहर को करते हैं बाय बाय, फिर कभी मिलेंगे, फिर आएंगे जब मनांग राइड नहीं, अन्नपूर्णा ट्रैक के लिए जब आएंगे तो आएंगे बेसी शहर, ठीक है? तो चलिए, लेट्स गो टू वर्ड्स बंदीपुर। भाई साहब, जो मनांग की राइड थी ना, नेक्स्ट लेवल की राइड है। मतलब जो मैंने जंस्कार राइड की थी, जंस्कार वाली राइड भी मुझे बहुत टफ लगी थी, बिकॉज मैंने लगेज के साथ पूरी की पूरी राइड कंप्लीट की थी। मुझे ये जो है मनांग राइड थोड़ा इजी लगा जंस्कार से, बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे पास लगेज नहीं था, बस टॉप बॉक्स लेकर गए थे, इसलिए हमें शायद से ईजी लगा। जंस्कार में हम सामान लेकर गए थे, भयंकर गिरे थे भाई साहब, वाटर स्ट्रीम रिवर्स में गिरे पड़े थे। चलिए, कहते हैं ना एक राइडर का सपना होता है, मैंने बताया आपको वीडियो शुरू किया था तो, कि एक राइडर का सपना होता है मनांग राइड, लोअर मुस्तांग, अपर मुस्तांग, लद्दाख, जंस्कार, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये सारी राइड्स मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अभी बस चल रहा है बंदीपुर, और बंदीपुर यहाँ का एक छोटा सा गांव है, बहुत प्यारा सा गांव है, जो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो अगर ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं उस जगह पे, तो ड्रोन से आपको ज़रूर से उस छोटे से शहर या गांव बोलो, प्रॉपर थोड़ा इसे आपको व्यू दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू है,
पहाड़ों में व्यू ही होते हैं, पहाड़ों में व्यूज ही होते हैं, सीनिक व्यूज ही होते हैं, रिवर, माउंटेन, सड़क, ऑफ रोड, लैंडस्लाइड, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अलग अलग ट्रेन में हम राइड करते हैं पहाड़ों में, कभी इतने खूबसूरत ब्लैक टॉप, तो कभी मनांग जैसा या फिर लोअर मुस्तांग जैसा ऑफ रोड, तो बस ये चलता रहता। सो यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है भाई साहब, पत्थर धीरे धीरे गिर रहे हैं नीचे, तो ये कभी भी रोड ऊपर से नीचे आ सकता है, भगा लो जितना जल्दी हो सके। ऑलराइट गाइस, हम रुके थे ब्रंच के लिए यहाँ पे, और तिनाऊ है ना, हाँ तिनाऊ में रुके हुए थे, और यहाँ पे हमें दिखा, यहाँ पे हमें दिखी सब्जी बनती हुई आलू की, तो हमने ऑर्डर कर दिया, क्या था, राइस दाल और आलू की सब्जी, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। तो फटाफट ब्रंच कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी बंदीपुर पहुँचने में 48 मिनट्स गूगल माता दिखा रही हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। फटाफट लंच ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सीधे चेतक पे। ये पहुँच गए डुमरे, डुमरे बाज़ार है, अब यहाँ से गूगल माता बोल रही हैं आगे राइट लेके पृथ्वी हाईवे पे जाने के लिए, और पृथ्वी हाईवे जो है वो पोखरा से काठमांडू को कनेक्ट करता है। सर बंदीपुर के लिए किधर जाना होगा? बंदीपुर इधर, ओके, हाँ ओके, थैंक यू। डुमरे, इसी रास्ते से हम आए थे इस साइड, उधर से इधर आए थे, और मेरे पीछे चले जाओगे तो चले जाओगे सीधे काठमांडू। तो अभी मैं जा रहा हूँ डुमरे से टुवर्ड्स पोखरा, ठीक है, लेकिन पोखरा नहीं जाना है, 1 किलोमीटर के बाद यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें। ऐसा पृथ्वी हाईवे पे काम इतना चल रहा है ना, इतनी धूल है ना मैं क्या ही बताऊँ। पोखरा से डुमरे तक पहुँचने में हम लोग पूरा रंग गए थे धूल से, इतनी धूल है। और डुमरे से हम ले लिए थे लेफ्ट और चले गए थे बेसी शहर मनांग राइड करने के लिए। तो नेपाल से भाई लोग जो भी देख रहे हैं व्लॉग, वो बताइए इस हाईवे का नाम पृथ्वी हाईवे क्यों रखा गया है, कुछ कारण है, कुछ हिस्ट्री है, जो भी है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। देखो लिखा भी है बांदीपुर। तेरह किलोमीटर है डुमरे बाज़ार से बंदीपुर बाज़ार। देखो कितना पुराना घर है नेपाल का, देख रहे हो, तो दोस्तों अभी जो हमने ब्रंच किया मज़ा आ गया खा के यार, बिल्कुल इंडियन फूड मिला हमें, जिसको कि नेपाली थकाली बोलते हैं, नेपाली थकाली मतलब कि नेपाली थाली। तो अगर आप भी आते हो, आपको चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल सब खाने का मन नहीं है ना, बिल्कुल बेझिझक बोलो कि मुझे नेपाली थाली दे दीजिए, नेपाली थकाली दे दीजिए, और उसमें ऐसा नहीं है कि जितना दिया है उतना ही, हाँ अगर नॉनवेज लोगे आप तो चिकन जो है एक ही बार मिलेगा, उसका जो भी है दाल सब्जी जो भी चीज़ है चावल आपको जितनी बार चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ थाली कैसे होता है, थाली रहेगा आपको जितनी बार चाहिए मिलेगा, तो मतलब वही है कहने का मतलब, यहाँ पर थकाली बोलते हैं हमारे यहाँ थाली बोलते हैं। बंदीपुर जाने का भी रास्ता बहुत सीनिक है गाइस, बहुत सीनिक व्यू है, देख रहे हो, ओए होए क्या गजब है यार। मुझे ये जो बंदीपुर का जो आइडिया है, एक हमारे बीके भाई हैं, लास्ट टाइम जब मैं नेपाल आया था तो वो मुझे मिले थे हॉस्टल में, उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी टूर पे, तो वो लोग गोरखपुर के थे, तो इस बार उन्होंने मैसेज करके बताया मुझे कि भाई अगर आप नेपाल आए हो तो बंदीपुर ज़रूर से जाना, बंदीपुर बहुत खूबसूरत है, छोटा सा एक प्यारा सा गांव है लेकिन मज़ा आएगा आपको। सो हमने सोचा कि यार आए हैं और इस रास्ते से जा रहे हैं तो घूम के जाते हैं ना, आपको भी दिखा के जाते हैं, खुद भी देख के जाते हैं, क्या बोलती पब्लिक, सही है ना।
भाई साहब गाड़ियां जाती नहीं है अंदर। हाँ जी, तो यारो यहाँ पे जो बांदीपुर है उसके अंदर में एंट्री नहीं है व्हीकल की आपकी, तो पार्किंग करके जाना पड़ेगा। तो हम पहले होटल ढूंढ लेते हैं जहाँ पे सेफ्टी के साथ अपनी बाइक पार्क हो जाए, उसके बाद निकल के घूमेंगे फिरेंगे। तो हम थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं अगर कोई होटल ठीक ठाक मिल गया सस्ते में तो स्टे करेंगे और वॉक करके घूम लेंगे बांदीपुर। सो ऑलराइट गाइस, ऐसे कैसे तैसे करते हुए हम फाइनली पहुँच ही गए बांदीपुर, और ये है प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके हैं। ये देख लो, इस पर नंबर वंबर सब मेंशन किया हुआ है, आप कॉल करके इनसे बुकिंग कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगी, बाहर से भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से है हमारा रूम। हाँ जी, क्या बैग है ना? हाँ बैग के साथ दीजिए ना। कौन सा? ये इधर वाला जाना, ब्लैक वाला राइट पे है ना? राइट पे, ये तेरी बाइक खड़ी है थोड़ा सा उसको साइड में कर दे। सो गाइज, इस तरीके से है कुछ रूम, देख लो आप, 3-person बेड, ठीक है। और ये है कुछ इस तरीके से है वॉशरूम, देख लो एक बार, ठीक है। ये है वॉशरूम, और आपको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं बाहर से चल के। सबसे अच्छी बात क्या है इस प्रॉपर्टी की कि आप अगर अपनी व्हीकल लेकर के आते हो तो आपकी व्हीकल बिल्कुल सेफ है, जैसे कि हमारा चेतक और ये बादल दोनों पार्क है। और प्रॉपर देखो कितना स्पेस है, स्पेस देखो काफ़ी अच्छा स्पेस है। और ये है कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। और इनका कैफ़े भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको शाम को जब हम निकलेंगे घूमने के लिए बांदीपुर, एक्सप्लोर करेंगे तो बाहर से प्रॉपर्टी दिखा देंगे। इनके पास कैफ़े भी है, रूम्स तो हैं ही हैं। और ये हैं भाई जिन्होंने हमें तरीके से रूम लगा दी। भाई आपका नाम क्या है ये बताइए? रामकृष्ण पंत है। कृष्ण पांडे? रामकृष्ण पांडे, रामकृष्ण पंत, रामकृष्ण पंत, पंत 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 पंत, ओके, ऋषभ पंत, ये पंत, ऋषभ पंत। सो भाई ने हमें बहुत, मतलब बहुत सपोर्ट किया। हमने भाई का जो बजट था, मतलब होटल का रूम का जो बजट था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने भाई से रिक्वेस्ट की और भाई ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमें अतिथि देव भव। बहुत सही बात बोला भाई ने। सो चलिए अभी चलते हैं, चल के फ्रेशन अप होते हैं और फिर निकलते हैं बांदीपुर घूमने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज सेव गोल्ड चाइल्ड, प्लीज़।